बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इस मामले पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में मोदी और शाह शामिल थे। शिवराज जी, आपने इसका भंडाफोड़ किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, अब यह साफ हो गया है कि जब मोदी जी को कोरोना से निपटने के लिए समय देना था, तब वे मध्य प्रदेश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त थे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट के जरिए शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हुए कहा कि मामा जी, आपने भी मान लिया है कि केंद्रीय नेतृत्व मोदी और शाह ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है। अब आप यह भी स्वीकार कर लीजिए कि कमलनाथ सरकार ने रेत माफिया, बिल्डर माफिया, मिलावट करने वाले माफिया और व्यापम ई टेंडरिंग घोटालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की थी, जिससे भाजपा घबराई हुई थी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी हंगामे के बीच एक ट्वीट के जरिए कहा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा तो धर्म यही कहता है। इस ट्वीट को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने से जोड़कर देखा जा रहा है।